हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फातिमा, आज स्कूल में आप कलर क्लोथ क्यों पहन के जा रही हो? क्योंकि आज स्कूल में ईद मिलन पार्टी है, सो सब फ्रेंड्स ईद के ड्रेसेस पहन के आ रहे हैं। यस, और आपकी पार्टी में आप लोग चीजें खाने के लिए क्या क्या लेके जा रहे हो? ब्राउनी, चिप्स, जूस। सो आज बहुत ज्यादा फन होने वाला है क्लास में। स्टडीज भी होंगी? यस। सो फ्रेंड्स, हम फातिमा को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और आप मौसम देखें, बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप है। अब बस लाहौर में गर्मी ही होगी। फातिमा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रश है। आज ईद मिलन पार्टी की खुशी में लगता है सब बच्चे जो है वो स्कूल आए और किसी ने भी छुट्टी नहीं की। जब पढ़ना होता तो आप लोग कहते हो मम्मा छुट्टी करा दें। फ्रेंड्स, बच्चों की ड्रेसिंग चेक करें। बच्चे जो है वो खूब गरारे वगैरह पहन के आ रहे हैं। ट्रैफिक का इतना ज़्यादा रश था कि हम आप लोगों को कुछ दिखा नहीं सके। सो होम टाइम पे जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बच्चों की ड्रेसिंग, के बच्चे कितने प्यारे लग रहे थे। फातिमा के तो हो गए मज़े, क्योंकि स्कूल से आने के बाद फातिमा गई मामा के साथ वन डिश पार्टी में। सो मज़े की डिशेस देखें वन डिश पार्टी में जो थी, और आप भी इंजॉय करें, और हमने भी बहुत इंजॉय किया। सो फ्रेंड्स, फातिमा को दो पार्टीज़ के बाद थर्ड ट्रीट भी मिल गई। वो क्या थी, आइए देखते हैं कि अब फातिमा कहाँ जा रही है। फातिमा, अजलान एंड आयत जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप देख रहे हैं वीडियो में उनकी एक्साइटमेंट। सो हम जा रहे हैं बहरिया टाउन, और वहाँ पे स्वीट क्रीम आइसक्रीम जो है वो ओपन हुई है और जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। स्वीट क्रीम जो है उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है और उसकी चॉकलेट का भी जो स्टफ है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है। बहरिया टाउन के क्रॉस रोड्स आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरती से बिल्ड किए हुए हैं, और ये है ग्रैंड मॉस्क जो कि पाकिस्तान की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क है और वर्ल्ड की 14th लार्जेस्ट मॉस्क है। बहरिया टाउन की मॉस्क का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इसको फेमस आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने जो है वो बिल्ड किया है, और ये देखें इसकी ग्रीनरी, इसकी लाइटनिंग, ये सब बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। इनफैक्ट पाकिस्तान लाहौर का तो मुझे ये दुबई ही लगता है, मुझे खुद बहरिया टाउन बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखें इसके क्रॉस रोड्स कितने ब्यूटीफुली डेकोरेट किए हैं, और लोग जो है वो इसको जस्ट इसके क्रॉस रोड्स को ही देखने आए होते हैं कि जितना उन्होंने डेकोरेशन की होती है, फाउंटेन्स वगैरह लगे होते हैं, लोगों को ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसकी बहरिया टाउन की बेसिकली अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ईफिल टावर, फायरवर्क तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत होता है दिसंबर में न्यू ईयर पर, और वैसे भी इसकी लाइटनिंग लोगों को बहुत इफ़ेक्ट करती है, और ये भी बहरिया टाउन की अट्रैक्शंस में से। कलरफुल लाइट्स, वो है ना।
में बहुत ज्यादा एंजॉय, मजा कर रहे हो? यस। जी तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट आइसक्रीम पार्लर पे, दैट इज़ स्वीट क्रीम्स। एंड अब हम ऑर्डर करते हैं। सो बच्चों से पहले पूछते हैं कि उनको कौन सी आइसक्रीम पसंद है। वो तो ऑब्वियसली चॉकलेट को ही लाइक करते हैं, चॉकलेट, वनीला। अजलान आपको क्या लेना है? यम्मी है। तो आप लोगों ने एंजॉय तो फ्रेंड्स, बच्चों ने तो ट्राई की चॉकलेट फज, क्योंकि इनको यही फ्लेवर पसंद है, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने ब्लैकबेरी एंड वनीला आइसक्रीम ट्राई की। आप लोग भी ज़रूर यहाँ की आइसक्रीम ट्राई करिएगा। अब होती है नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। बाय।